सीजन चालू हो गए हैं, दीपावली का पावन पर्व भी आने वाला है। इसको देखते हुए अलवर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। मिलावट खोरों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही अलवर सरस डेयरी अध्यक्ष विश्राम गुजर ने भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, मिलावट खोरों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो वहीं कहा कि सूचना देने वाले को भी व्यक्तिगत रूप से 5100 रुपये देकर सम्मानित करेंगे। त्यौहार इस सीजन चालू हो गए हैं। सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली का पावन पर्व भी अब 10 दिन बाद आने वाला है। तो वहीं खाद्य विभाग अपने अलर्ट मोड पर आ गया है। तो मिठाइयों के सैंपल लेकर जो मिलावटी मिठाई है उनको नष्ट कर रहे हैं। तो वहीं साथ में अलवर जो सरस डेयरी है, चेयरमैन है, वो भी अपने अलर्ट मोड पर है, उनका एक्शन ले रहे हैं। तो हमारे साथ है चेयरमैन विश्राम गुजर, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी सर, आपने जो मिलावटी दूध को पर इनाम भी रखी हुई है, तो किस तरह आपका ये दीपावली का त्यौहार देखते हुए कार्रवाई जारी रहेगी? दीपावली का ही त्यौहार नहीं, मेरे लिए तो जिस दिन से मैं चेयरमैन बना हूँ उस दिन से ही दिवाली मनती आ रही है। जो भी मिलावटखोर लोग हैं उनके खिलाफ़ और दूध माफियों के खिलाफ़ मेरा बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, और उस अभियान में लगभग मैंने 20 से 25 हज़ार लीटर दूध मौके पर नष्ट किया है। लाखों रुपये की पेनल्टियाँ लगाई हैं, 20 लाख से ऊपर की मैंने उन लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाई हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस ज़िले के लोगों को जो इस मुहिम में मेरे साथ दे रहे हैं उनको भी, और मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, मैं मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पुण्य का काम है। जिस तरीके से हम गायों को पालते हैं उसी हिसाब से शुद्धता भी मानव जीवन में एक बहुत अहम अंग है। अब कुछ दिन बाद से ही अलवर डेयरी में दूध कहीं ना कहीं अच्छी तादाद में बिकने लगा है, इसका क्या श्रेय होगा, आप क्या मान लो? अब मैं जब यहाँ चेयरमैन बना तो इस संस्था में 50 हज़ार लीटर दूध आता था, आज 1.5 लाख लीटर दूध आता है। लोगों ने मुझे मज़ा इसलिए आ रहा है काम करने में कि लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, और उस विश्वास पर काम करने पर मुझे कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। आज हमारे उपभोक्ता जो 80 हज़ार लीटर दूध पीते थे, आज मेरा 1,30,000 लीटर दूध पूरा जिला पीता है, इससे बड़ी बात क्या होगी? तो अब दीपावली के त्यौहार पे अब आमजन को क्या कहना चाहोगे? मैं आमजन को ये कहना चाहता हूँ कि सरस डेयरी का दूध आप विश्राम की भैंस का दूध समझकर पिए, मेरी पूरी जिम्मेदारी है, शुद्धता की फुल मेरी गारंटी। आपने इनाम भी रखी है, कितनी इनाम रखी? मैंने 5100 रुपये मेरी तरफ से, मैं जो भी मिलावटी दूध मुझे बताएगा उसको मैं मेरी तरफ से 5100 रुपये दूंगा, और वहाँ मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा और उस आदमी का नाम भी गुप्त रखूंगा।